हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक अभी अभी जो है बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर क्या वजह है लोकल ट्रेन को बंद करने के लिए। जी हाँ, कोरोना की मुख्य वजह आखिर क्या बताई गई, इन तमाम चीज़ों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। 2 सप्ताह का लगेगा लॉकडाउन, जी हाँ दोस्तों, आम जनता के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको जानकारी और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आज की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, आप देख सकते हैं। मुंबई इज लोकल ट्रेन टू बी ब्लेम्ड फॉर सर्ज इन कोविड-19 केसेस, हियर्स व्हाट द बीएमसी डेटा सेज। जी हाँ, जो मुंबई की लोकल ट्रेन है उसे ही जो है मेन मुख्य वजह बताया जा रहा है बीएमसी के द्वारा। जी हाँ, ये बीएमसी के द्वारा जो है बताया जा रहा है कि कोरोना जो मुंबई में दूसरी लहर है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोकल ट्रेन आम जनता के लिए खुली और इसी की वजह से कोरोना की दूसरी लहर जो है आ चुकी है। इसके ऊपर हमने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी मांगा था आम जनता से, और आम जनता ने काफ़ी हद तक कमेंट्स किया। और सबका ये मानना है कि यहाँ से लोकल में सफर करने पर कोरोना वायरस फैल रहा है, जिसकी दृष्टि की बसों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, वहाँ से कोरोना नहीं फैल रहा। एक ऐसा रखना है जिससे लोकल ट्रेन से कर रहे हैं। जब ये आम जनता की राय है, जबकि बीएमसी का कहना नहीं है। बीएमसी का कहना है जब से लोकल शुरू हुआ इसकी वजह से गर्मी में रफ्तार हुई है और भारत की ट्रेन फिर से एक बार टू बोर्ड दीज ट्रेन। आई हैव बीन सेइंग दैट इट वुड बी टेक 3 वीक्स टू अंडरस्टैंड इफ द ट्रेन हैव केस्ड एनी राइज इन केसेस। नाउ वी आर एग्जैक्टली 3 वीक्स अवे फ्रॉम फेब्रुवरी 1st, एंड सम केसेस मे हैव बीन अट्रीब्यूटेड फॉर ह्यूज मोमेंट इन ट्रेन इन कोविड टाइम्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं इकबाल सिंह चहल जो के द्वारा जो बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लगाने की जो नौबत इस समय मुंबई में आ चुकी है उसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना की वो है लोकल ट्रेन। और ऐसा इसलिए क्योंकि 50 लाख लोग सफ़र कर रहे हैं एक दिन में लोकल ट्रेन में, और इसीलिए कोरोना की रफ्तार दुगनी हो रही है। तो ये बात अब कितनी जायज़ है ये बात आप खुद समझ सकते हैं। जी हाँ, आम जनता की राय कुछ और है। इकबाल सिंह चहल जो बीएमसी के आयुक्त हैं, जी हाँ, उन्होंने जो है साफ साफ कहा है कि नहीं, कोरोना की रफ्तार सिर्फ और सिर्फ लोकल से बढ़ रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 2 दिन में, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 3 सप्ताह पूरा होने वाले हैं और 28 फरवरी के बाद, यानी कि आज हो चुकी है, 26 होने वाली है, जी हाँ दोस्तों, 25 की शाम है। तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के भीतर, जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन लग सकता है मुंबई की लोकल ट्रेनों में, क्योंकि लोकल ट्रेनों में फिर से पाबंदी की जाएगी और सिर्फ कुछ ही चुनिंदा लोगों को ही सफ़र करने की अनुमति होगी। आपकी राय क्या है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए। आपकी कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने साफ साफ कहा है कि लॉकडाउन लगाऊंगा मैं तभी जब आम जनता कहेगी, यानी अगर नियमों का सही ढंग से पालन होता है तो लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये अभी भी जो है प्लस पॉइंट है आम जनता के लिए, सबके लिए, कि भले ही बीएमसी का जो है मानना हो कि लोकल की वजह से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का मानना है कि जब तक आम जनता इस बार नहीं कहेगी लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हाँ, महाराष्ट्र के अन्य जिलों में लॉकडाउन लग चुका है कई जगहों पर, और कई जगहों पर आंशिक रूप से लॉकडाउन लगाया गया है। आप देख सकते हैं पालघर में चिकन की जितनी भी दुकानें हैं उन तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया है 15 दिन के लिए। और साथ ही जो अन्य डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो आपके पूना हो, नासिक हो, नागपुर हो, यवतमाल हो, अकोला हो, कहीं पर भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कुछ घंटों के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं पर जो है नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसी प्रकार मुंबई में भी आने वाले समय में लॉकडाउन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी लोग सावधानी से रहिए, मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लॉकडाउन से हम बच सकते हैं, अभी भी हमारे पास 2 दिन का समय है। धन्यवाद दोस्तों।